नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक करते हैं जयपुर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में SC ST आरक्षण के साथ छेड़छाड़ के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित डिप्टी CM सचिन पायलट ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था बहुत सोच समझकर लागू की गई है। सिलेंडर के दाम बढ़ाकर आज ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। हम इस मामले में राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आते ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस मामले को लेकर तमाम राज्य को दिशा निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके जो इनकी बात से सहमत नहीं होता उन्हें ये आतंकवादी कह देते हैं, जबकि लोग बखूबी जानते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे हकों के लिए लड़ेगा। हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हर मोर्चे पे SC ST और OBC के दुख और तकलीफ में उनके साथ रहेंगे। राजस्थान की सरकार संशोधन हुआ उसमें यही कहा गया कि SC ST को आरक्षण दिया जाएगा भर्तियों में और प्रमोशन। मुझे नहीं समझता कि इस पार्लियामेंट के संशोधन के बाद में कोई गुंजाइश रह गई थी, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को हर चीज को रिव्यू करने की पावर है। उसी के तहत में एक फैसला आया है। उत्तराखंड की सरकार का कोई मामला था और उसमें ये दिया कि स्टेट की मर्जी की बात है कि आप प्रमोशन देते हैं SC और ST को नहीं। तो सब मिलकर के हमारा ख्याल करो, दलितों का ख्याल रखो, दलितों का अधिकारों को मत छीनने दो। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ, कांग्रेस इस देश की आत्मा है। जैसे एक आत्मा के बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है।